मान लिया लाखों की भीड़ लगती है, वहाँ तो कोरोना नहीं है। कोई भाजपा के विषय में मिले तो वाह वाह, और कोई उसके विपरीत बोले तो भीड़ इतना भीड़ है तो क्या ये मास्क हमारा रोक लेगा? जब करोड़ों की भीड़ करते हैं, हम इस बात पे जा रहे हैं, जब करोड़ों की भीड़ बंगाल में दिख, पूरे भारत में और पूरे विश्व में कोरोना का कह सकते हैं दूसरा लहर काफ़ी बड़े स्पेक्ट्रम में फैल रहा है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में हम आए हुए हैं पडरौना ब्लॉक में। पडरौना ब्लॉक में इस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, चुनाव को लेकर यहाँ पे पर्चे भरे जा रहे हैं, फॉर्म को भरा जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर आइए ब्लॉक पे, देखते हैं कि कितने सोशल डिस्टेंसिंग और कितने मास्क का प्रयोग हो रहा है। हालांकि सड़कों पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है बैठे हुए हैं जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि ये लोग जो है इतना सीरियस क्यों नहीं कोरोना को ले रहे हैं। आप लोग मास्क कहाँ है आप लोग का? मास्क है सर, मास्क जेब में रखने के लिए है क्या? पानी पी रहे थे, सर इसके लिए पानी पी रहे। चलिए पानी पी रहे थे तो इनको होल टाइम हम देते हैं। अंदर जो लोग पानी नहीं पी रहे थे उनसे थोड़ा सा हम बात करते हैं। और ये जिम्मेदार पर्सन कहलाते हैं अपने क्षेत्र से। मास्क आप लोग का कहाँ है? मास्क लिए हैं हम, जेब में क्यों भरा जा रहा है मास्क? जेब में भरने के लिए क्या, या फिर अमरत्व का वरदान आप लोग को मिल गया? नहीं, अमरत्व का वरदान नहीं है, ठीक है, यही काम कर रहे थे हम लोग। चलिए ये काम कर रहे थे तो इसलिए इनको भी होल टाइम दिया जाता है। आइए अंदर जो काम कर रहे हैं उनसे भी हम थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर स्टाफ हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, और लेकिन यहाँ पे कंटेमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर पूरे लोग फॉर्म भर रहे हैं। ऐसे में संदेह सबसे बड़ी खड़ा हो रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं, फॉर्म लोगों का भर रहे हैं। आपका मास्क कहाँ है? पानी पी रहे थे तो निकाल दिया। हनुमान जी से आपको वरदान मिल गया है क्या अमृत का? अरे महाराज कह रहे तो पानी पिए तो निकाल दिए, पानी पीते वक्त मास्क पहनेंगे क्या ये बताइए। चलिए ये पानी पीते वक्त मास्क नहीं पहनते, यहाँ पर बैठ के पानी पी रहे थे इतने सारे लोग के बीच में, जब यहाँ पे कोरोना इतना ज़्यादा स्प्रेड कर चुका है। लगातार यहाँ पे देखिए लोग जो है अपना मास्क को वेयर कर रहे हैं, पहन रहे हैं। इससे पहले इनको ज्ञान नहीं हुआ था। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं इनसे। मास्क आपका कहाँ से था भाई? क्या पहनिए ना, इतना सारा कोरोना का केस बढ़ रहा है, लोगों का डेथ रेट अब पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो रिस्क नहीं लग रहा है क्या? डर नहीं लग रहा है? पहनिए उसको, ठीक से पहनिए। आपका कहाँ है सर? चलिए विशेष तौर पे हम कहना चाहेंगे यहाँ पर किसी को भी यहाँ पे डिमोरल करने का हमारा कोशिश नहीं है, प्रयास नहीं है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, आप सभी लोग से कहना चाहते हैं कि मास्क का प्रयोग करिए, कोरोना को अब सीरियस लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दूसरा लहर जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, खतरनाक है। यहाँ पे आपको पता कुशीनगर से 4 लोग मरे हुए हैं। ऐसे में बंगाल की बात हम कर रहे हैं तो बंगाल में आप चले जाइए, वहाँ पर आपका बचाव कहीं हो पाए तो। बंगाल में तो मान लिए लाखों मास्क आप क्यों नहीं है, वहाँ तो कोरोना नहीं है सब लोग। चलिए आपसे हम बात करते हैं। चलिए मास्क कहाँ है आपका? मास्क यहाँ है। मास्क क्यों रखे हैं जब इतना आपको कोरोना देख रहे हैं? हम इस लगा क्यों रहे हैं आप? ये सुन रहे हैं कि बंगाल से कोरोना भाग रहा है, मास्क क्यों लगा रहे हैं जब आपको डर नहीं है? जब आपको मास्क, जब कोरोना से नहीं डर है, जब आपको बंगाल का आपको यहाँ पे है, तो मास्क लेने की आवश्यकता क्या थी? बस आपको देखें, लगा लेंगे, आप लगाएं तो हम भी लगा लें, लेकिन हम कोरोना से तो डर नहीं रहे। बंगाल से क्यों भाग रहा है कोरोना? जब वहाँ लाखों की भीड़ जा रही है सर, तो कोरोना वहाँ नहीं जा रहा है, तो लाखों की संख्या में लूटने का काम हो रहा है। और जब मुंबई, जब अमेरिका में लोग लाखों की संख्या में मर रहे थे, तो यहाँ पे लोग कम मर रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि हम अपना लापरवाही करना शुरू कर दें, दूसरे लोग लापरवाही कर, दूसरे लोग हत्या कर रहे हैं तो हम भी हत्या करना शुरू कर दें। ये कहाँ का प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ है? कोई हत्या किसी का कर रहा है? मैं किसी का हत्या की, कौन हत्या कर रहा है? प्रूफ है कोई? आप अकेले कंटेमिनेटेड होते हैं डॉक्यूमेंटेड रूप से, अकेले एक लोग जो है। हम इस बात को नहीं मानते हैं, हम कोरोना को नहीं मानते हैं। बंगाल में जहां करोड़ों की भीड़ है, वहां माननीय मोदी जी जा रहे हैं, माननीय अमित शाह जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं, कोई भी सीएम देश का बाकी नहीं जहाँ वहां गया हो, और उन लोगों के बीच में जा करके भाषणबाजी हो रही है, कोरोना पे चर्चा नहीं हो रहा है, केवल वोट की बात हो रही है, और हम लोगों के बीच में आप लोग आ रहे हैं कि आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? तो वो लोग नहीं, चुनाव क्यों नहीं आयोग कैंसिल कर दिया? अभी कल 6 बजे रिपोर्ट आने वाला था, सुनिए, कल 6 बजे माननीय न्यायालय का आदेश आने वाला था कि इसको कैंसिल किया जाएगा।
तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं गए? माननीय न्यायालय से क्यों नहीं पूछेगा? आप इतनी भीड़ भाड़ में बीमारी में चुनाव क्यों करा रहे हैं? आपको बताएं कि एक प्रतिनिधि होता है, एक जिले का संवाददाता होता है, वो अपने जिले की खबर को दिखाता है। हमारे चैनल पे आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबर भी देखेंगे। आपका स्वागत है, लेकिन आप लोग निष्पक्ष भाव से आप लोग दिखाइए। ये नहीं कि कोई भाजपा के विषय में मिले तो वाह वाह, और कोई उसके विपरीत बोले तो गलत। हमने आपके आपने माथे पे लिखे हैं क्या कि आप भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं? नहीं सुनिए, हमने यहाँ पर एक एक लोगों से ये बात पूछा है। आप मीडिया के ऊपर सवाल कर रहे थे, क्यों नहीं करेंगे? मीडिया बिका हुआ है, यहाँ मास्क पूछा जा रहा है तो मीडिया बिका हुआ क्यों नहीं? वो मीडिया की बात कर रहा है। 22 जवान मारे जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? 22 जवान जो मारे गए अभी बीजापुर में, और गृह मंत्री बैठा हुआ है बंगाल में, तो ये सवाल इसके जिम्मेदार के मीडिया को आपका नहीं किया है? आप ही के माध्यम से तो पूछा जाएगा सवाल। पूछे अभी अभी भैया जी पूछे हैं, पूछे बंगाल के बारे में पूछे हैं, तो आपने बंगाल के बारे में कुछ नहीं बताया। और अमेरिका यहाँ बात कोरोना की हो रही है, यहाँ बात कोरोना की हो रही है, यहाँ बात कोरोना की हो रही है। जब मुद्दे एक होते हैं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया बिका, यही बोल रहा हूँ कि जब भैया जी बंगाल के बारे में आपसे पूछे तो आप अमेरिका चले गए। आप सटीक जवाब दीजिए बंगाल के बारे में कि जब वहाँ पे चुनाव का अभी समय है तो वहाँ पे रोड शो चल रहा है, तो वहाँ पे कोरोना नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं होती है, बस वोट के बारे में बात हो रही है। अभी ये सवाल आप इसका जवाब दीजिए। कल हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि चुनाव होंगे, उसको लेकर सवाल आप लोग खड़ा करिए ना। हम कौन होते हैं सवाल खड़े? हम एक मीडियम है, आपकी बातों को भी रखेंगे। मीडिया के माध्यम से ही तो बात वहाँ तक जाएगी ना। आपका वेलकम है, पूछिए। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, हम लोग यही पूछ रहे हैं, सामने ही पूछ रहे हैं कि हम लोग यही पूछ रहा है कि जो बंगाल में जो चुनाव चल रहा है तो वहाँ पे कोरोना नहीं है? कोरोना नहीं है? ये मैं मास्क लगाया हूँ क्या? ये मास्क से कोरोना मतलब नहीं हो पाएगा? जो भीड़ इतना भीड़ है तो क्या ये मास्क हमारा रोक लेगा क्या? बचाव कर लेगा कोरोना का? बताइए आप। अनुशासन कोरोना को रोक सकता है, ये बात महत्वपूर्ण है। अनुशासन में मास्क नहीं रह रहा है, भीड़ भाड़ में जाकर भाषणबाजी कर रहा है, हम लोग अनुशासन में रहेंगे? अनुशासन में रहना है तो अपने प्रधानमंत्री से सीखेंगे, अपने सीएम से सीखेंगे, उन्हीं लोगों से ना सीखेंगे जो वो खूब लाखों के भीड़ में जाके भाषण कर रहे हैं, तो हम लोग साहब कौन है? महत्वपूर्ण सवाल आप पूछ रहे हैं। देखिए, हम आपके सवाल को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, हमारा मंच है, आप सामने सामने कह सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि हम उस दायरे में रहते हुए सवाल करें, अपने अंदर कमी ना करें। तो आपने मास्क को ही गलत ठहरा दिया, कोरोना को ही गलत ठहरा दिया, और सवाल उठा रहे प्रधानमंत्री के ऊपर। सुनिए, हम अपने तरफ से क्यों गलती करें? प्रधानमंत्री को कभी गलत कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे मालिक हैं, हमारे मुखिया हैं, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सीएम हैं, उनको हम कैसे गलत ठहरा सकते हैं? आप लोग जबरदस्ती अगर उसको पेचीदा बना रहे हैं, ये तो अलग की बात है। हमने ये कहा कि बंगाल में करोड़ों की भीड़ हो रही है, देश का प्राइम मिनिस्टर और सीएम पीएम सभी लोग मीटिंग करते हैं। अगर किसी के घर में यहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है तो प्रधानमंत्री आके वहाँ पे देखते हैं कि घर वाले अपने खुद देखते हैं? ये घर वाले की जिम्मेदारी है। आपको अगर कोरोना होगा, आपके घर वाले इसके सदस्यों को होगा, तो ये आपके ऊपर संदेश क्या देते हैं? वो जब करोड़ों की भीड़ करते हैं, हम इस बात पे जा रहे हैं, जब करोड़ों की भीड़ बंगाल में दिखा रहे हैं तो हमको 10 लोगों में कैसा डर? हमारे देश का मुखिया लगातार कैंपेन हो रहा है, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। इधर जो कैंपेन चल रहा है प्रधानी का, चुनाव का, और जिला पंचायत सदस्य का, तो इसमें भीड़ नहीं हो रही है, लोग नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर बैठ के भीड़ नहीं हुई है। ये देखिए, यहाँ पे नियम कायदा कानून यही है कि इस चीज को हम मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग करें, उससे हम लोग रोक सकते हैं। आप लोगों का हम सभी लोग स्वागत करते हैं, लेकिन पहले आप लोग अगर अच्छा सीख देंगे, हमारे जैसे हजारों आदमी के पास आप टच करते होंगे उनकी भला बुरा जानने के लिए, तो आप अच्छे संदेश दीजिए, उससे हम लोगों को सीख मिले। अच्छा, नहीं कि अब देश का मालिक जो है जाकर बंगाल में रैली करे, सीएम जाके बंगाल में भाषणबाजी करें, और हम लोग गांव में आओ तो आप माइक लगा दें, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जो सवाल है आपका जेन्युइन है, समझ रहे हैं हम जी, वहाँ पे दिखाएंगे भी, लेकिन आप भी अपने पॉइंट पे गलत थे कि आप मास्क नहीं लगाएंगे, कोरोना को नहीं मानते और मास्क लगाए हुए हैं इस समय। हम इसलिए कहे नहीं मानते हैं कि जब लाखों, आप गलत सूचना खुद ही फैला रहे हैं लोगों को। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना जो अभी मास्क लगाए हुए हैं उनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कोरोना को गंभीरता से वो कितना लिए हुए हैं, मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। यहाँ भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं कि आपने मास्क लगाया हुआ है जी, अभी बहुत सारे लोग ने मास्क का प्रयोग नहीं किया, तो क्या कोरोना का डर है या नहीं है? नहीं, डर ही है।
डर है, तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि मास्क हम नहीं लगाएंगे क्योंकि कोरोना का हमको डर नहीं है। नहीं नहीं, हद तक सही है? नहीं नहीं, मास्क तो लगाना पड़ेगा ना, मास्क तो जरूरी है भाई कोरोना से बचने के लिए। क्या लगता है चाचा, कोरोना का जो स्थिति अभी चल रहा है तो डर लगा है मन में? नहीं, डर तो है, उससे सबसे बड़ा तौर तरीका बीच बचाव है, अपनी बचाव करके रहा जाए सबसे उत्तम वही है। अभी आगे चाचा जी कह रहे थे कि कोरोना, अगर हम कोरोना को हम नहीं मानते हैं तो क्या लगता है कि अब मास्क जो है कोरोना से नहीं बचाएगा, तो आपको लगता है कि मास्क कोरोना को नहीं बचाएगा? नहीं, बचाव का एक बहुत बड़ा मतलब वो भी साधन है, जो ऐसा कह रहे हैं उनकी ना समझिए जी। तो अभी हम बात करने लगते हैं, ये एक बार नहीं, ये लंबी जब भी कोरोना का बात होता है, कोरोना का डिस्कशन होता है, तब हमेशा से बंगाल चुनाव को लेकर या फिर अलग अलग जगह के चुनाव को लेकर यहाँ हवाला देने लगते हैं लोग। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी प्राथमिकता जो है क्या है, हम अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए कितना हम अलर्ट हैं, सतर्क हैं।